श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। आप सबका बहुत स्वागत है। तो आज हम ये जो टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कीर्तन। तो अभी पिछले हफ्ते हम लोग पंडरपुर यात्रा में गए थे और वहाँ पर हमने एक प्रोग्राम किया था चंद्रभागा नदी के तट पर प्रभुपाद घाट पर बैठ करके। तो प्रोग्राम सबको अच्छा लगा और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोचा कि एक्चुअली वो क्या चीज़ है भक्ति में जो हर एक व्यक्ति को पसंद आती है। अफकोर्स प्रसाद सबको पसंद आता है, तो बट भक्ति के कुछ मुख्य अंग होते हैं, 9 अंग या भक्ति के। तो उसमें जो कीर्तन जो है ये एक बहुत ही ब्लिसफुल प्रोसेस है और इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। तो आज हम लोग कीर्तन, ग्लोरीज ऑफ कीर्तन, कीर्तन की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद हम एक कीर्तन प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर। तो एक वेरिएटिव कीर्तन करेंगे जिसपे आपको थोड़ा अनुभव देने का प्रयास करेंगे कैसे कीर्तन के माध्यम से हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा कीर्तन की महिमा जान लेते हैं और फिर हम लोग जो है इसका एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए कीर्तन क्या होता है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम कुछ शास्त्र के श्लोक पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे इस पर। सबसे पहला है कीर्तन के विषय में श्रीमद् भागवतम में और अन्य कई ग्रंथों में बहुत बहुत श्लोक बताए गए हैं। तो सबसे पहले कीर्तन जो है युग धर्म है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंध में बताया गया है तृतीय ध्यायतो विष्णु त्रेतायां रजतो मखे द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनम्। तो जो भी आपको सतयुग में तपस्या करने से या भगवान विष्णु पर ध्यान करने से जो फल मिलता था, जो त्रेता युग में आपको तपस्या करने से फल मिलता है और जो द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की उपासना करने से फल मिलता है, वही सेम फल आपको कलयुग में केवल कीर्तन करने से मिल जाता है। कलौ तद्धरि कीर्तनम्। किसका कीर्तन? हरि कीर्तन। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जब हम कीर्तन की बात बोलते हैं तो केवल हरि कीर्तन ही कीर्तन है, बाकी कोई और कीर्तन नहीं है। जैसे बंगाल में लोग काली कीर्तन बोलते हैं या अन्य कई देवताओं का कीर्तन नहीं होता है। कीर्तन मीन्स ग्लोरिफाइंग लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का गुणगान ही कीर्तन कहलाता है, बाकी वो कीर्तन नहीं है। जब यह कीर्तन शब्द आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट हमको जानना है कि वो हरि का कीर्तन है, भगवान कृष्ण का कीर्तन है ना? तो आगे देखते हैं सेम श्रीमद् भागवतम में कीर्तन को एक यज्ञ के रूप में बताया गया है और ये बहुत फेमस श्लोक है। कृष्णम वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेघसा। ये श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का एक सूचक है। श्री चैतन्य महाप्रभु, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि महाप्रभु का कहाँ वर्णन किया गया शास्त्र में, तो ये श्लोक है भागवतम में जो महाप्रभु के बारे में बताया गया और आप एक ही वर्ड देखिए आपको समझ आएगा। कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, ठीक है। तो कृष्ण ऐसा व्यक्ति जिसकी तुषा मतलब जिसका जो शरीर है वो अकृष्ण, वो काला नहीं है, ठीक है, बट वो कृष्ण है। उनको कृष्ण कहा गया, वर्णयते, वर्ण मतलब उनको कृष्ण ही बोला गया है। वो कृष्ण जब इस कलयुग में आते हैं जिनका चमड़ी का रंग कृष्ण नहीं है मतलब काला नहीं है, और वो क्या करते हैं यहाँ पर आके सांगोपांगास्त्र पार्षदम अपने संघ अपने पार्षदों को आते हैं, ठीक है, पार्षदों को लेके आते हैं और क्या करें यज्ञ संकीर्तन प्राय प्राय मतलब ऑल द टाइम ऑलमोस्ट 24 घंटा वो तो एक ही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं। यजंती सुमेधा, ऐसे भगवान को जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, सुमेधसा, मेधा मतलब बुद्धि इंटेलिजेंस, सुमेधसा मतलब वेरी इंटेलिजेंट। तो जो लोग इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन करेंगे
दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो आप सब जो यहाँ बैठे हैं आज जो कीर्तन कर रहे हैं, आप मानो चाहे मत मानो, लेकिन आप बड़े बुद्धिमान, ये तो मानोगे, कौन नहीं मानेगा, क्या ऑलरेडी मानते ही है। लेकिन क्योंकि आप कीर्तन में जुड़ रहे हो, आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो, क्योंकि आप ऐसे पुरुष की उपासना कर रहे हो जो स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्णा है। तो इसलिए कीर्तन गद्य है। तो जब आप अपने मुंह से इस कीर्तन का उच्चारण करते हो, हरे कृष्ण मंत्र बोलते हो, तो आपका जो कान है वो गद्य कुंड के समान गाता है। ठीक है, और ये हरे कृष्ण महामंत्र जब अपने मुंह से निकल के कान में घुसता है, तो वो कान में घुस करके हृदय में जाता है, और हृदय में जितना भी गंदगी भरा पड़ा है उसको ध्वस्त कर देता है। ये हरे कृष्ण महामंत्र का पावर है। और खास करके मैं आगे बताऊंगा, जब हम जोरों से कीर्तन करते हैं तो हम अपना ही उद्धार नहीं करते, हम पूरी दुनिया का उद्धार करते हैं, इवन पेड़ पौधों का उद्धार करते हैं। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर ऐसे जा रहे थे, और महाप्रभु को एक बहुत दया आते थे, उन्होंने कहा, सुनो सुनो हरिदास, अरे दुनिया में उद्धार कैसे होगा इन जीवात्माओं का, इन पेड़ पौधों का। तब हरिदास ने कहा, महाप्रभु जब आपके भक्तगण रोड पे संकीर्तन करते चलेंगे, तो ये पेड़ पौधे जो ना तो बोल सकते हैं ना कुछ प्रतिक्रिया कर सकते हैं, इनको भी जब वही नाम सुनाई देगा तो इनका भी उद्धार हो जाएगा। देखो लिमिटेड बाय हियरिंग द होली नेम ऑफ गॉड, ये महत्व है नाम संकीर्तन का। तो कीर्तन एक गद्य है। जैसे आप लोग जब कोई विवाह होता है तो हम लोग गद्य करते हैं, उसमें फिर फेरा देते हैं लोग, कोई बड़ा संकल्प होता है, भूमि पूजन होता है तो यज्ञ करते हैं, जब कोई बड़ा अनुष्ठान करते हैं जैसे पुत्र का निश्चय यज्ञ होता है, बारिश प्राप्त करके यज्ञ होता है, तो बड़ा बड़ा यज्ञ कुंड बनाते हैं और वो उसमें घी डालते हैं, सब डालते हैं। बट इस कलयुग में केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करने से यज्ञ हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं आपको इसका साक्षात प्रमाण देता हूँ। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अन्नाद्वन्ति भूतानि अन्न पर्जन्य संभवत्। तो और पर्जन्य जो है मतलब अन्न पे पूरा दुनिया डिपेंड करता है, अगर आप अन्न नहीं खाएंगे तो आपका शरीर मेंटेन नहीं होगा। तो अन्न कहाँ से आता है, तो भगवान कहते हैं अन्न आता है बारिश से, रेन से। तो बोलते हैं रेन कहाँ से आता है, जब के समुद्र पर्जन्य, जब के से बारिश आता है। तो आप अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि पेड़ उगाने से बारिश आता है, वो सपोर्ट करता है, पर पेड़ उगाने से बारिश नहीं आएगा। जब तक गद्य होगा तो बारिश आएगी। तो एक बार श्री प्रभुपाद जी आंध्र प्रदेश में थे, और उस समय अकाल पड़ गया था, बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी और पूरा सूखा पड़ गया था। तो वहाँ के जो मिनिस्टर लोग थे, उन्होंने प्रभुपाद से कहा कि स्वामी जी आप एक सेंटी पर्सन है, आप कुछ कीजिए। बोले देखिए भगवान ने गीता में कहा है कि आप यज्ञ करोगे तो वर्षा होती है, और इस कलयुग में यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। तो हम लोग अपने सब पार्टी के साथ मिलकर कीर्तन करेंगे, पूरा पूरा स्टेट में पूरा घूम घूम के नगर संकीर्तन करेंगे। आप यकीन मानोगे दो दिन कीर्तन किया किसी धड़ाधड़ बारिश नहीं होगी। प्रभुपाद जी ने करके दिखाई थी। सेम कमाल कृष्ण महाराज भी फिजी आइलैंड में एक बार गए थे, तो उनको भी सेम चैलेंज किया गया था कि अगर आप इतनी शक्तिशाली करके आप बारिश आ सकते हो। तो उन्होंने कहा हाँ, कमाल कृष्ण महाराज बड़े ही चैलेंज लेने वाले थे, बड़े ही बोल्ड सन्यासी थे, तो हाँ आ देंगे। और उन्हें कीर्तन किया और बारिश आ गई। तो इसलिए जब भी आप यज्ञ करोगे, संकीर्तन करोगे, ये मान के चलिए कि आपके जीवन में कभी भी कोई प्रकार की कमी नहीं हो सकती है, मतलब आपके मेंटेनेंस में कोई कमी नहीं होगी, 100% श्योर है, बिकॉज यू आर चैंटिंग हरे कृष्ण। तो ये यज्ञ करने से सारे देवता लोग खुश होते हैं। जब आप संकीर्तन यज्ञ करते हो सभी देवी देवता खुश होते हैं। और सब एक बार श्री प्रभुपाद जी लंदन में कहा बैठे रहे, और तुरंत कीर्तन चल रहा है, और बीच में बोलते दो आसन लेके आओ, तुरंत अपने डिसाइपल को दो आसन लेके आओ, दो आसन रखा गया। तो बोले किसके लिए, बोले डोंट यू सी ब्रह्मा जी मार्ग में आए, तुमको प्रभुपाद जी बोले अपना कि ब्रह्मा जी मार्ग में आए थे संकीर्तन में, उनके आसन आज ही वो आसन रखा हुआ है वहाँ पर। वो आते
तो जब संकीर्तन करते हो तो सारे देवता लोग पकड़ जाते वहां पर, क्योंकि उनको भी बड़ा आनंद होता है कि भगवान का गुणगान हो रहा है, संकीर्तन यज्ञ हो रहा है। इसलिए ये कीर्तन जो यज्ञ है, आप ये मत सोचिए कि हम जो केवल ये नाम जप कर रहे हैं या ऐसी कीर्तन गा रहे हैं। तो कई बार हम देखते हैं जब कीर्तन करते हैं तो लोग कोई मोबाइल में बात करते रहता है, कोई इधर बातचीत दबसप मार रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। यज्ञ है, आप जब पार्टिसिपेट करोगे यज्ञ में तो आपको उसका बहुत लाभ मिलेगा। तो ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड है, कीर्तन जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप है। वर्शिप मतलब क्या? आराधना करना। तो आप आराधना को ये मत समझिए कि केवल जब हम अगरबत्ती दिया धूप ये सब लेके जब भगवान की पूजा करते हैं, वही पूजा नहीं, कहीं पर भी। इनफैक्ट श्री प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर आपके घर में कोई सुविधा नहीं है कि आप अगरबत्ती दिया या फिर दिखा बसाना नहीं है, सिंपल चैतन्य महाप्रभु का फोटो रखिए और सामने बैठे करतार बजा दिया, करतार में जो हाथ से बजा बैठ के कीर्तन गाइए, वही वर्शिप है। दैट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। तो कुछ ज्यादा करने की दरकार नहीं है, केवल ये नाम संकीर्तन कीजिए, इससे ही सब कुछ हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु अंतलीला को बताते हैं कि भक्ति के नौ प्रकार है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। इति पुंसाज का विष्णु भक्ति नाम से लक्षणा, नौ लक्षण है भक्ति के। कोई भी दुनिया में भक्ति करता है तो ये नौ चीजों से कोई भी एक चीज करता है, आगे भगवान का नाम सुन रहा है, श्रवण कर रहा है, या कीर्तन कर रहा है, या स्मरण कर रहा है, या भगवान की सेवा कर रहा है, या डिवोशन कर रहा है, या भगवान से फ्रेंडशिप बना रहा है, ऐसे। तो महापूजा बोले तारवदे सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लोय पाए प्रेम धन। तारवदे सर्वश्रेष्ठ, ये सभी नौ प्रकार के जो भक्ति के अंग है उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? नाम संकीर्तन। ये सभी नौ प्रकार के भक्ति के अंग में सबसे टॉप मोस्ट है नाम संकीर्तन। और निरपराध नाम लोय, यदि कोई व्यक्ति बिना अपराध के ये नाम लेता है तो क्या होगा? पाया प्रेम धन, उसको कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाएगा केवल नाम संकीर्तन करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा था जस्ट चैंट एंड डांस। और आप देखिए जब श्री प्रभुपाद जी टॉमसन स्क्वायर पर गए अमेरिका में तो क्या करते थे, दो से पांच दोपहर का वो एक स्क्वायर पार्क, एक पार्क था टॉमसन स्क्वायर पार्क, वहां पर बैठ करके केवल प्रभुपाद जी कथा लेकर के हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। तीन घंटा सेम ट्यून ये ट्यून गाते थे प्रभुपाद जी। और उसमें क्या होता कि कोई हिंदी लोग होते थे, ये सब तो ऐसी नशा में धुत होकर के उधर पड़े हुए थे, तो कोई आगे ढकनी बजा रहा है, कोई अपना गिटार भी आया, कोई कुछ कुछ ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट लाते थे और ये लोग जुड़े, इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं, बट कोई म्यूजिक बज रहा है तो ये लोग भी गा रहे साथ में कर रहे हैं। यही सब लोग आगे का बड़े बड़े इस्कॉन के आचार्य बने, ये सब लोग जो वहाँ कीर्तन कर रहे थे प्रभुपाद जी के साथ, तीन घंटा प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे उसमें सेम ट्यून। और आप सोचिए ट्यून आज वर्ल्ड फेमस है, हम जो भी कीर्तन करते हैं एंड किससे करते हैं? ये ट्यून से करते हैं, प्रभुपाद जी का ट्यून है ये। तो पॉइंट ये है कि कीर्तन की ताकत है कि ये एक व्यक्ति जिसका हृदय अगर जानवर से भी ज्यादा वो हो, मतलब जैसे चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड फॉरेस्ट में गए तो जानवरों को भी नचा दिया महाप्रभु ने कीर्तन करके, ये कीर्तन का असर है, ऑटोमेटिक है कीर्तन का असर। आगे बढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध में ये बताया गया है कीर्तन इज द श्रेष्ठ वे ऑफ सक्सेस। अगर आपको कोई भी चीज में सफलता नहीं मिल रही हो, चाहे आपके प्रोफेशन में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके घर में कोई समस्या हो, ये मैं नहीं बोल रहा, ये भागवतम बोल रहा है, अगर आपको कोई भी सक्सेस नहीं मिल रहा, आपको बहुत निराशा हो रही है या आपको लग रहा है सब खत्म हो गया, सब बेकार है और डिप्रेशन आ रहा है, बेस्ट वे इज टू चैंट होली नेम ऑफ गॉड। ये भागवतम बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एतानि विद्यमानानां इच्छतामुक्तो भयं योगिनां निर्णीतं हरे नामानुकीर्तनम्। क्या बोल रही है? योगी नाम निर्पनिर्मितम, योगियों ने सर्वश्रेष्ठ योगियों ने निर्मितम निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है? कि एकां निर्मित्यमानानां,
यदि कोई व्यक्ति है जिसके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, चाहे वो सबसे टॉपमोस्ट एलिवेटेड व्यक्ति हो, बड़ा ही महान व्यक्ति हो, या इच्छुका जिसके मन में बहुत भौतिक इच्छाएं हैं, चाहे वो बहुत बड़ा निर्भीक व्यक्ति हो या बड़ा योगी हो, लेकिन अब तो भया, यदि आपको जीवन में निर्भय करना है, आपको जीवन में भय से मुक्त होना है, तो क्या करना चाहिए? हरे नामानुकीर्तनम, हरि के नाम का कीर्तन कीजिए। अगर आप कीर्तन करेंगे आपको सक्सेस 100% मिलेगा। ये बात को आप ऑडिट मत कीजिए। इसीलिए गृहस्थों खासकर चलिए अपने घर में सुबह या शाम को 10 मिनट कीर्तन करना चाहिए आपको। आपका जो ऑल्टर है जिसमें आप भगवान की तस्वीर रखी है उसे सामने बैठ करके बड़े अकेले आप करताल लेकर के या हाथ से कीर्तन कीजिए। या नहीं होता तो कोई हमारे स्कॉल में हजारों आपको कीर्तन है, कोई कीर्तन बजाइए और वही डांस कीजिए हमारे सामने, या कीर्तन प्ले कर दीजिए, आप देखिए क्या होता है। इसका इतना पॉजिटिव इफेक्ट है कि आप यकीन भी नहीं करेंगे कि ऐसा कैसे बदल रहा है, पूरा माहौल बदल जाएगा घर का, पूरा माहौल। और ये मैंने कई गृहस्थों ने मुझे ये बताया है ये चीज़ें, और मैंने देखा ऑब्जर्व किया कैसे चेंज होता है परसेप्शन, एवरीथिंग विल चेंज। जो भी नेगेटिविटी चली जाएगी आपके मन से भय चला जाएगा। तो ये शास्त्र कह रहा है, क्योंकि भागवतम कह रहा है, भागवत गलत नहीं हो सकता करेगी। तो इसके हरे नाम कीर्तन, हरि का नाम का कीर्तन करोगे तो उससे क्या होगा, आपके जीवन से सारा भय चला जाएगा। एंड इट इज द श्योरेस्ट वे ऑफ सक्सेस, आपको सक्सेस जरूर मिलना है, 100% होगा ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट, कीर्तन इज द अल्टीमेट रिलीजियस प्रिंसिपल। ये बात स्वयं यमराज कह रहे हैं अपने दूतों से, यम दूतों से, क्या कह रहे हैं वो, एतावान् एव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परस्कृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। वो क्या करें, एतावान् एव लोकेऽस्मिन्, हे मेरे यम के दूतो, ये बात समझ लो कि इस पूरे लोक में ना पुंसां, पुंसां मतलब मनुष्य में सबसे बड़ा धर्म क्या है, धर्म परस्मृत टॉप मोस्ट रिलीजन वो क्या है, भक्ति योगो भगवती, भगवती मतलब भगवान, भगवान की भक्ति करना। कैसे करना, तन नाम ग्रहण आदि भी, उनके नामों का उच्चारण करके, ग्रहण आदि भी, नाम संकीर्तन से स्टार्ट करना चाहिए भक्ति को। इसलिए हम बार बार लोगों से कहते चैंट हरे कृष्णा, प्रभा जी का स्लोगन था चैंट हरे कृष्ण भी आगे, नाम संकीर्तन कीजिए, चैंटिंग कीजिए। ये हमारा प्रोसेस है इस्कॉन का, और ये इतना महान प्रोसेस है कि कईयों की जिंदगी बदल दी इसने, केवल नाम संकीर्तन है, केवल नाम संकीर्तन। आपको जान के हैरानी होगी, हमारे इस्कॉन का जब स्टार्टिंग हुआ था तो पहले प्रभुपाद जी के शिष्य लोग 8-8 घंटा कीर्तन करते थे। जैसे आप लोग 9 से 5 ऑफिस आते हैं ना, तो वैसे वो 9 से 5 कीर्तन करते थे, ठीक है। तो एक हमारे इस्कॉन के बड़े सन्यासी हैं परम पूज्य इंद्रदुरु साईं महाराज, तो वो पहले जॉब पे जाते थे, तो जब वो जॉब पे निकलते थे तो वो देखते थे कि कुछ 4-5 भक्त एक कॉर्नर पे कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन करके वो बैक टू बॉडी मैगजीन बांटते थे। और जब वो जाते थे देखते थे कि वो कीर्तन कर रहे हैं, बढ़िया अभी सुबह सुबह आए कीर्तन कर रहे हैं। जब वो लौटते थे शाम को 5 बजे तो माता जब चेयर ली थी, चेयर ली थी माता जी, तो जब जो वृद्ध व्यक्ति है जिनको बहुत प्रॉब्लम है तो शेयर कर दीजिए प्लीज, बैठा दिक्कत हो करिए। तो जब वो शाम को 5 बजे और चेयर आ सकते हैं ब्रिंग मोर चेयर, तो जब शाम को 5 बजे आते थे तो ऑफिस से निकल कर गए, तो ये कम थके हारे आप जानते हैं क्या हाल होता है, 8 घंटा काम करके व्यक्ति अधूरा हो जाता है, तो घर जाते बस यहाँ पर आराम करेंगे, थोड़ा शांति पड़ेगा। तो ये जब आते थे और देखते थे कि ये जो 5 भक्त जो सुबह से कीर्तन कर रहे हैं, ये सुबह जितना जॉयफुल दिख रहे थे उससे 10 गुना ज्यादा जॉयफुल दिख रहे हैं, मतलब इनके आनंद में, इनके उत्साह में वो तेजी आ गई है। और बोले तो ये ऐसा हर भी देखते थे, और देखते थे कि मन में जिज्ञासा नहीं जानी क्या करें ये लोग, इतने खुश कैसे ये लोग, और मैं तो इतना खुश नहीं हूँ, मैं इतना काम कर रहा हूँ लेकिन मैं पैसा कमा रहा हूँ फिर मैं इतना खुश नहीं हूँ।
फिर इनको पूछा भाई क्या करते हो, तो कहा आइए हमारे सेंटर आइए, और इनको सेंटर में ले गए और बाद में फुल टाइम ड्यूटी बन गई, आज सन्यासी है। तो कीर्तन इनका जब आप भक्तों कीर्तन करते देखते भी है तो वो जो वो आनंद भी गजब है। आप केवल देखिए भक्तों को क्या उत्साह से नाचते हैं, और क्या कीर्तन का जब वो उच्च स्वर में आता है, श्री चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे खासकर जगन्नाथपुरी में और खासकर अक्षत्रा के सामने, साथ साथ फिर छलांग मारते थे महाप्रभु, क्या कीर्तन होता था। आप चैतन्य स्वामी का अगर आप पढ़ोगे तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन का अगर आप सुन लोगे वो वर्णन, माय गॉड, मतलब होते थे कि जब वो डांस करते थे ना तो केवल देखने मात्र के लिए उनको लोग बस अवाक थे कि ये आदमी क्या करे क्या रहे। जहां भी जाते थे महाप्रभु पूरे इंडिया साउथ इंडिया का भ्रमण करते थे, जहां भी आते थे कीर्तन साधते थे महाप्रभु, तो इतने लोगों की लाखों लोगों का जमा होता था इनको कीर्तन करते हुए देखते थे। और महाप्रभु लोग जब लंबित थे तो ये पांचों जो पंच तत्व जो है ये लोग श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे। तो रात को जब कीर्तन होता था, नॉक्टर्नल कीर्तन इसको बोलते हैं, रात भर कीर्तन, तो उसको देखने के लिए बाहर के लिए सब जो भक्तिवादी लोग आते थे दरवाजे पर, हमको देखने दो, हमको देखने दो, हमको कीर्तन देखना है, लेकिन उनको अलाउ नहीं था क्योंकि उनका मन पवित्र नहीं था। तो लोग बड़ा गाली बकते थे, कह रहे तुमको पता है अंदर क्या कर रहे हो, उल्टा सीधा काम कर रहे हो, ये बहुत गाली बकते थे और उनको अलाउ नहीं होता था। और महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो ये भी जैसे मानो कृष्ण प्रेम डिसेंड होता था ऊपर से। इसीलिए इस कीर्तन को क्या कहा गया है, गोरो केरा प्रेम गगन हर नाम संकीर्तन। मैं बार बार कहता हूँ कि जो प्रेम जो गोरो का प्रेम धन है वो है रासलीला। जो कृष्ण अपने गोपियों के साथ जब रासलीला करते हैं तो जो प्रेम बरसता है कृष्ण का उस माहौल में, उस समावेश में, उसका तो अपन कल्पना भी कर सकते हैं। वही सेम प्रेम और वही सेम आनंद चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन में लागू कर दिए धरातल पर। तो जब भक्तों हाथ पकड़ करके डांस करते हैं तो वही आनंद की अनुभूति आप कर सकते हैं यहाँ पर, जो राधा कृष्ण और जो गोपियां उस आनंद को महसूस करती है। बट ऑफकोर्स हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए तब वैसा का, बट इवन शुद्ध नहीं भी है फिर भी आप कीर्तन में भाग लेंगे तो आप देखोगे आपको युद्ध के आनंद की अनुभूति होती है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कीर्तन में डांस करके खुश नहीं होता, कोई नहीं होगा, सभी लोग को आनंद मिलता है सभी, क्योंकि वो आपके हृदय से भगवान के प्रति वो प्रेम को उजागर कर देते हैं। कीर्तन में ताकत है केवल ना, खासकर हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन में, इसलिए टॉपमोस्ट धर्म है। क्योंकि धर्म का मतलब क्या है, सवै पुंसां करो धर्मो यतो भक्ति अधुक्षजे अहत किया प्रत्येता यात्मा सुप्रस्थिति। वो चीज वो कार्य जो भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति प्रेम उत्पन्न कर दे वो है धर्म। और ये जो कार्य है चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ गॉड, ये सक्षम है हमारे हृदय में भगवान के प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न कर दे। तो एक बार जब महाप्रभु रथ यात्रा जाके नाच रहे थे तो श्रीवास जो श्रीवास ठाकुर थे वो महाप्रभु एक तक देख रहे थे, एक तक, ठीक है। तो क्या हुआ, राजा जी राजा प्रताप उतर आए, तब राजा आते तो जो भाई सब साइड साइड है तो उनके सामने उनका जो मंत्री चल रहे थे तो श्रीवास ठाकुर एक तक देख रहे महाप्रभु नाच रहे डांस कीर्तन करे कर रहे, ये मंत्री आके थे श्रीवास ठाकुर का साइड किया, एक धमक चपाट लगा दिया इसको, इस मंत्री को, और ये पकड़ के राजा को देखा बोला, और ये इसका भी अहंकार आ गया, ये इसको पकड़ने जा सकते। तो राजा बोला तू बहुत भाग्यशाली है रे, तेरे को जीवन उद्धार हो गया, तेरे को श्रीवास ठाकुर ने झपड़ मारा है, बिल्कुल रोकूंगा तुमको। बोले तू जानता नहीं है ये लोग कौन है, ये लोग महाप्रभु के पार्षद है और मेरा देखना ना देखना चलेगा, लेकिन ये लोग जिस रैक अटेंशन में देख रहे भगवान के कीर्तन को तो उस पर डिस्टर्ब मत करो कीर्तन में, इसलिए जब भी कोई कीर्तन कर रहा हो तो खास डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और ये हमारे साथ भी लगता है, कभी हम लोग भी कीर्तन करें तो कोई कुछ उल्टा काम करता है तो वो भी खा जाता है कर पाता है। एक बार तो एक बार हमारे एचर गुरु बड़े फेमस कीर्तन है, आप इस्कॉन में अगर कीर्तन की बात करोगे तो एक व्यक्ति का नाम सबसे टॉप मोस्ट आएगा, वो है इंद्र प्रभु। मेरा बड़ा सौभाग्य था कि मैंने उनको लाइव कीर्तन करते हुए देखा है 2009 में, बट वो उनकी स्टोरी बताऊंगा तो आप
दूसरे दुनिया में चल जाओ क्या? ऐसे महान भक्त हो 24 घंटा कीर्तन करते थे। आप वृंदावन जाते हो तो आज हमारे वृंदावन स्थान मंदिर में 24 घंटा कीर्तन होती है, 24 घंटा रात को भी कीर्तन होती है। तो वो 24 घंटा कीर्तन को स्टार्ट करने वाले अंदर होते थे। एक बार अंदर को कीर्तन करते तो पीछे कोई व्यक्ति ऐसे थोड़ा सा मजा आने के लिए करता लेके कीर्तन पटक बना लग गया, अंदर को करता लिए फिर के मारे से करता तो वो पूरा सौ कर क्या हो गया। कहते बोले दिस इज लविंग किस फ्रॉम कृष्णा, ये भगवान आपको जो है लविंग किस भेज रहे हैं, तो डिस्टर्ब मत करो कीर्तन में। इसलिए अगर आपको कुछ नहीं आता है तो कीर्तन में डिस्टर्ब भी करना चाहिए भक्तों को, खास करके ये प्रिकॉशन है। बट कीर्तन एक इतना एब्जॉर्बिंग एक्टिविटी है जहां व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ। हाँ एकदम। एक बार हमारे एक सन्यासी जो है परम पूज्य भक्ति के स्वामी महाराज क्या डांस करते थे, बाप रे बाप क्या डांस करते थे कीर्तन में। इतना नाचते थे ना कि पूरा बॉडी जो है मतलब पूरा जैसे शासन का पहना पूरा तरता तर पानी स्वेट गिरता था नीचे होता, इतना कीर्तन करते थे, इतना कीर्तन करते थे। तो जिस दिन का संन्यास हुआ उसी दिन ऐसा कीर्तन कर रहे ऐसा नाच नाच रहे कि पर जब मैं गोटी मिल जाए जैसे तो सब बोले अरे ये क्या हो गया। तो फिर तुरंत वो लपड़े हुए डजंट मैटर आई एम नॉट दिस बॉडी आई एम स्पिरिट सोल। तो बताओ कीर्तन का जो एब्जॉर्प्शन है वो इतना हाई हो जाता है ना कि उस समय आपको लगता है एक्चुअली अगर आपको फील करना है कि आप शरीर नहीं हो आप आत्मा हो कीर्तन में नाचिए, आप भूल जाओ कि आप शरीर हो। भले बात बहुत दर्द देगा शरीर वो अलग बात है लेकिन उस समय आप भूल जाते हैं लोग रियल। अभी हम लोग जब बजाते हैं ना तो इतना एब्जॉर्ब होता है कि हाथ कट जाता है वो करताल से, कई बार हाथ छिल जाता है। तो उस समय पता ही चलता जब रोकते हैं ना तब दर्द महसूस होता है, तो लगे प्रॉपर कट गया है। बिकॉज क्या है ये आपकी चेतना को बहुत ऊपर ले जाता है ये हरिनाम संकीर्तन, इसलिए इसमें भाग लेना चाहिए। इस द बेस्ट वे ऑफ वर्शिपिंग गॉड। और यही श्लोक श्रीमद् भागवतम का आखिरी श्लोक है, द कंक्लूजन ऑफ श्रीमद् भागवतम 12th canto 13th chapter text number 22 नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समना तम नामानि हरि परम। आखिरी श्लोक श्रीमद् भागवतम का जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं उन परम भगवान को प्रणाम करता हूं जिनके नाम संकीर्तन करने से सभी प्रकार के पापों का नष्ट हो जाता है और क्या होता है इस दुनिया के सभी भौतिक कलमश खत्म हो जाते हैं, दुख का समान दुख का खत्म हो जाता है सारा। ये आखिरी श्लोक श्रीमद् भागवतम का, लेकिन पूरा भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने क्या क्या नहीं बोला, भगवान के रूप का गुण लीला सब बताया। लास्ट को क्या बोल रहे हैं, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन। तो कलयुग में यही मार्ग है, यही उपाय है। जो लोग संकीर्तन नहीं करते हैं और जो अन्य तरीके से भगवान को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं दे आर मिस्टेकन, वो बहुत बड़ा उनको चाहे आप 1008 यज्ञ करा लो जो भी हो लेकिन नाम संकीर्तन को आप मैच नहीं कर सकते, ये नहीं पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस युग धर्म में ये कलयुग धर्म नाम संकीर्तन और ये कृष्ण प्रेम देने में बहुत सक्षम है। तो इसीलिए सभी भक्तों को खास करके इस कौन के भक्तों को नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो आप इसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग। कॉन्ग्रीगेशनल मतलब कुछ भक्त साथ में आए जैसे आप सब लोग आए हो और सब मिल करके हरे कृष्णा मंत्र कीर्तन कर रहे हैं। जरूरी नहीं इसमें आपको बहुत इंस्ट्रूमेंट की दरकार है, करताल मृदंग ये सब होता भी जरूरी नहीं है। कर ताल मतलब क्या है, कर मतलब हाथ, ताल मतलब ताल, कर ताल ये करताल है, यही करताल है। तो आपको खुद गाइए, करताल हो जाइए, आपके हाथ से बजाइए और कीर्तन कीजिए, बेस्ट वे ऑफ वर्शिप है। तो इसलिए खासकर गृहस्थों के घर में हर दिन कीर्तन होना चाहिए। आप शाम को दिया बत्ती करते होंगे बट साथ में 5 मिनट कीर्तन ऐड कर दीजिए, 5 मिनट बैठिए। हाँ हो सके तो सभी घर के लोगों को बुला लीजिए, अगर नहीं संभव तो कोई बात नहीं आप बैठिए और केवल हरे कृष्ण मंत्र गाइए। चिंता मत कीजिए आप जैसा भी जाओगे बेसुरा या अच्छा कोई देखने वाला नहीं है, तो भगवान को नहीं देखते, भगवान भाव गाए जनाब गा रहे हैं, भगवान ये बेसुरा गा रहा है कि कैसा गा रहा है, भगवान आपके भाव को देखते हैं। गाइए आप करके देखिए और देखिए हर दिन क्या रिजल्ट आता है आपको इसका।
कीर्तन जरूर होना चाहिए, इससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं घुसे गुजर के कीर्तन करने से, कीर्तन करने से। तो मैं और कीर्तन ही ना, इनफैक्ट जब हम श्लोकों को उच्चारण करते हैं गीता भागवतम, ये भी कीर्तन है। कीर्तन मीन्स भगवान की कीर्ति का गुणगान, कीर्ति मतलब ग्लोरीज, तो भगवान की कीर्ति को गाना वो है कीर्तन, समझ ना, भगवान की। तो ए बच्चों साथ बैठो, अभी कीर्तन करेंगे, भगवान की कीर्ति का गुणगान, कीर्ति को गाना, दैट इज कॉल्ड कीर्तन। तो भगवान की कीर्ति क्या है? भगवान की कीर्ति उनका नाम है, उनका गुण है, उनकी लीला है, उनका रूप है, ये भगवान की कीर्ति है। तो आप जो भी गाते हो वो कीर्तन है, जो अगर आप गीता को पढ़ते हो वो भी कीर्तन है, अगर आप भागवत में श्लोक का उच्चारण करते हो वो भी कीर्तन है, अगर आप दो भक्तों मिलकर के भगवान को बोलो कितने सुंदर है भगवान, कितना कितने महान है भगवान, कितने दयालु है भगवान, वो भी कीर्तन है। बट द बेस्ट वे ऑफ कीर्तन ये हरि के स्वरूप में जपने का। तो इसलिए जान बुझे ये 16 शब्दों में इस मंत्र को बनाया गया है ताकि आप गोविंद का कोई भी सॉन्ग ले आओ उसमें आप गा सकते हो महामंत्र, है कि नहीं? इनफैक्ट बॉलीवुड जितने सॉन्ग बने, अभी कई बार हम कीर्तन गाते हैं, लोग गए फिल्मी सॉन्ग में कीर्तन गाए, बट उन्होंने चुराया, लगा तो आपको एक्चुअली सारे गामा पा जो ये 7 स्वर जो निकले हैं नारदपुरी के बिना से, ये स्वर किसने निकले थे? भगवान का गुणगान निकले थे। जितने भी स्वर का जो सारे गामा पा जो 7 स्वर है, ये भगवान सामवेद में इस 7 स्वर का वर्णन है और सभी 7 स्वर से बना है। सारे जो आप देखोगे जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये सब 7 स्वरों का ही कॉम्बिनेशन है। इसका उद्गम हुआ था भगवान का गुणगान के लिए और ये मूर्ख लोग बॉलीवुड सॉन्ग गाते मरे हुए व्यक्ति को गुणगान करने के लिए, तुम कितनी सुंदर हो, अरे बुरी हो जाएगी खड़े के लोग पूरा उसका है कि नहीं है, वो मरने वाली और पूरा सौंदर्य फालतू का, ये झूठा है। ये जितना भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसके लिए बनाया गया था, भगवान का गुणगान के बनाया गया था, ये मृदंग करताल इस सब जो भी है वीणा ये सब। तो आप कोई भी और सॉन्ग सुनते हो ना, आप समझिए वो एक्चुअली कृष्ण का गुणगान होना चाहिए उसमें, बाकी जो भी गा रहे हैं वो सब टेम्पररी है, वो सब खत्म हो जाएगा समय के साथ। तो एक्चुअल जितने भी स्वर हैं वो भगवान के गुणगान के लिए है, तो उन लोगों ने चुराया है और वो लोग सोचते हैं कि हम सॉन्ग गा करके, आप देखिए बात समझिए, कोई ना कोई बॉलीवुड का गाना पढ़ लीजिए कितना दिन सुनोगे उसको, कोई ऐसा सॉन्ग है आपके मन में जो आप सदियों से सुनते आए हो, जैसे 20 साल से और आप थके नहीं और बोले हो, एक आदमी बोर हो जाओगे आप, है कि नहीं? लेकिन आप हरे कृष्ण महामंत्र को देखिए, आप कितना भी सुनिए आप बोर नहीं होंगे, ये गारंटी है भाई। कितना भी सुनिए आप कीर्तन, सोचिए 50 साल से इस्कॉन में वही हरे कृष्ण कीर्तन को गाया जा रहा है 50 साल से, अभी हमने मंत्र चेंज कर दिया क्या? सेम हरे कृष्ण ही गा रहे हैं और 50 साल नहीं 500 साल हो गए, श्री चैतन्य महापुरुष 500 साल पहले आए थे, बट 500 साल से महापुरुष इस कीर्तन को गा रहे हैं, सेम कीर्तन गा रहे हैं, आप थकोगे नहीं, यही दर्शाता है ये दिव्य है। या आप किसी भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, टॉम डिक हैरी कोई भी नाम ले लीजिए, कितना भी गा दो दोस्त नाम का बोर हो जाओगे, बट आप कृष्ण का नाम कितना भी जप कर लो बोर नहीं होते, आप बोर नहीं होते क्योंकि भगवान का दिव्य है, भगवान अपने नामों में मौजूद है। तो जब आप भगवान का नाम संकीर्तन करते हो तो उनकी उपस्थिति आपको महसूस होगी, आपको महसूस होगी। इसलिए क्या है ये कीर्तन को जो है जब हम शुद्ध भाव से गाते हैं तब भगवान की उपस्थिति हमें जो है महसूस होती है। कई बार लोग कीर्तन को एक एंटरटेनमेंट के रूप में लेते हैं, ईजिंग अच्छा है, चलो बढ़िया कीर्तन बजा म्यूजिक बजा अच्छी बात है, बट कीर्तन केवल एंटरटेनमेंट नहीं है, ये कीर्तन प्रभा जी ने दे इट्स अ कॉलिंग टुवर्ड्स गॉड। जैसे एक बच्चा अपने माँ के लिए रोता है, आप देखिए अगर आप कुंभ मेले में गए हो कहीं, जैसे अभी हम लोग विट्ठल जी का दर्शन करने के लिए हम लाइन में खड़े हुए थे, हम लोग बहुत लंबी लाइन थी पूरा वहाँ से गए थे, तो एक बच्चा जो है वो खो गया था, ठीक है वो बच्चा चल रहा है बट धन्य है बच्चा रो रहा था, इतनी भीड़ है और बच्चा था हम लोग के सामने खड़ा हुआ था बच्चा,
उसको पूछे कि तेरा नाम क्या है, तो नाम बताते, माँ बाप का नाम क्या है, बताया नाम बताया, बड़ा शांत था। तो हम उसको चल हमारे साथ चल आगे चलते, तो जाके काउंटर को दे देंगे, कहीं पर वो अनाउंस कर देंगे कि मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, किसी बात नहीं माना होगा, समझ चुका खड़ा है वहाँ पर चल रहा है। उतरे में उसके पिताजी आए और देखे, अरे ये तो यहाँ है, उसको बीस निकाल दिए, मैंने देखिए। तो अब मैं बोला अरे बड़ा धन्य बच्चा ही है, लेकिन अगर मान लो कोई छोटा बच्चा हो क्या करेगा, ऐसा हंगामा करेगा वहां पर ना कि सब रोएगा ना घूम जाए तो, और अगर उसकी माँ उसको मिलेगी तभी वो सुख होगा, बोला नहीं होगा, चाहे उसका कितने ही गोदी में ले जाओ, चाहे इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री की गोदी में उसको बढ़ा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी माँ के गोद में जाके शांत होगा। वैसे ही प्रभु जी कहते हैं जब हम लोग कीर्तन करते हैं तो ये हम जैसे लॉस्ट सोल्स जो भटक गए दुनिया में, उनका एक कॉलिंग है कृष्णा को, और जब तक कृष्णा हम लोग को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते, वी कैन नॉट बी सैटिस्फाइड विदाउट कृष्णा, नॉट पेइंग अटेंशन टू अस। अब देखिए कई बार क्या होता है, घर में देखते माताओं को अनुभव होगा कि जब बच्चा जल्दी होता है और माँ जाके चॉकलेट देती है उसको, ले बेटा ये आइसक्रीम खाने चॉकलेट खा ले, तो चुप जाता है, तो बच्चा सोचता है बढ़िया तरीका है, अगर चॉकलेट से मतलब क्या हुआ चिल्लाओ रो, उसका ऐसा लगता है कि रोएंगे तो चॉकलेट मिलेगा, लेकिन माँ जानती है कब जल्दी हो रहा है कब नाटक कर रहा है, नाटक हो रहा है थप्पड़ मारते हैं चुप चुप नाटक सर्जे की नहीं है। तो भगवान की जब एक ऑर्डरी माँ समझ जाती है कि बच्चा नाटक कर रहा है कि सही हो रहा है, तो भगवान ही समझेंगे, भगवान भी समझाते हैं नाटक कर रहा है कि क्या कर रहा है। इसका देखो कई बार लोग मंदिर आते हैं, साल में एक बार आएंगे जन्माष्टमी में, और ऐसा आप इतना रोने लग जाते हैं कि जोर से चलाने लग जाएंगे, हरे कृष्ण इतना जोश दिखाने लगता है, यही सुपर है भाई, लेकिन भगवान भी जानते हैं नाटक कर रहा है, ये अटेंशन प्राप्त करने के लिए ये सब ढूंढ कर रहा है। और जो लोग जेन्युइनली चैट करते हैं तो कृष्णा प्लेज अटेंशन, अरे ये मेरा भक्त हो, मेरा नाम पुकार रहा है और ये जेन्युइनली पुकार रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, अब मुझे इसको ध्यान देना पड़ेगा। तो आप भगवान के अटेंशन ड्रॉ करते हो जब हम कीर्तन करते हैं, तो इसलिए आप कीर्तन करते कुछ बातों का ध्यान रखिए। पहली बात, ध्यान पूर्वक मंत्रों को उच्चारण कीजिए। कई बार लोग कीर्तन करते हैं चुपचाप बैठा लेंगे, जैसे मुझे लाल लग गया, अरे क्वालिटी सी बात होगी तो एक घंटा लेक्चर दे देंगे, जैसे कीर्तन चालू होगा चुप कहीं तो देखते हैं कौन गा रहा है कौन नाच रहा है, कई बार हम लोग जब कीर्तन के घंटे ऐसे देखने मिलता है, पर जब कीर्तन हो मुंह को खोलिए, ऐसे ना पड़ा पड़ा करते रहते हैं हम लोग, पर मुंह को खोलिए और बोलिए, नाम को बोलना चाहिए, एटलीस्ट इतना लाउड बोलिए कि आप सुने, सामने वाला भगवान वाला किस सुने आप क्या गा रहे हैं। आप देखिए अगर बातचीत में तो बड़ा सिंगर बन जाते हैं हम लोग, सब लोग बाथरूम सिंगर है, आपको कौन कोई बाथरूम सिंगर है जब नाच जाते सब है ही सब कुछ जाते हो पता है ना। तो लेकिन जब यहाँ कीर्तन पाठ आई है विशु सिंह उसमें पार्ट लेना चाहिए, उसमें गाना चाहिए। दूसरी बात, मंत्र पे ध्यान देना चाहिए उच्चारण, और ट्राई टू रिमेंबर गॉड, भगवान को स्मरण करने का प्रयास कीजिए उस समय, कृष्ण का कोई रूप, कृष्ण का कोई लीला। अभी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, वी विल ट्राई टू डू दैट, एक मेडिटेशन कीर्तन करेंगे बोला सुनते बस। तो कीर्तन में मंत्र पे ध्यान दीजिए, आप देखिए मैजिकल काम करेगा वो। और 15 से 20 मिनट, खाली 15 से 20 मिनट अगर आपने ध्यान दे दिया, फिर देखिए आपका समाधि लग जाएगा उसमें। मैं अभी आऊंगा उस चीज पर। तो देखिए तीन प्रकार के चैंटिंग होते हैं भगवान के नाम, तीन प्रकार से जप कर सकते हैं हम लोग। पहला है वाचिक, वाचिक का मतलब लाउड चैंटिंग, जो हम लोग हरे कृष्ण बोल के गाते हैं वो लाउड चैंटिंग होते हैं वाचिक। दूसरा है उपांशु, उपांशु मतलब सॉफ्ट चैंटिंग, जपा है ना, जब हम जपा करते हैं। डिफरेंस क्या है, वाचिक चैंटिंग में आपके बगल वाले व्यक्ति को आपका मंत्र सुनाई देता है, और उपांशु में आप केवल खुद का मंत्र खुद ही सुनते हो। इसे जब हम जप करते हैं तो हमको खुद का मंत्र सुनना चाहिए, बगल वाले को भी सुनना चाहिए अपना मंत्र। तो उपांशु मतलब खुद का मंत्र खुद सुनना चाहिए, यह है उपांशु। और थर्ड है मानसिक चैंटिंग, मानसिक मतलब मन में नाम चल रहा है। अब कई लोग बोलते हैं तो बहुत इजी है मानसिक चैंटिंग, मानसिक जप करना, मानसिक जप करना सबसे डिफिकल्ट है, पता है सबसे डिफिकल्ट है मानसिक। क्योंकि मानसिक जप क्या है, तो एक श्लोक बताते हैं,
जब आपके मन में मंत्र है और मंत्र में आपका मन है, वो है मानसिक चैतन्य। होली नेम इज योर माइंड एंड माइंड इज योर होली नेम। जब दोनों का समावेश हो गया है वह है मानसिक जपा। इसलिए कई बार आप लोगों से, खासकर भारत में, प्रभु जी हम तो 24 घंटा लगे रहते हैं, हम तो 24 घंटा जप करते हैं, कैसे मन में चलता है क्या हमारा? झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता, मन में जप चल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रभु जी ने कहा मन में चैंटिंग करना बहुत शुद्ध अवस्था है। माइंड इतना, इसमें इतना गोबर भरा पड़ा है हम लोग के माइंड में, और आप कहां से वहां नाम पर देगा क्या, सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए क्या है, मन के चैंटिंग के लिए जो लोग बोलते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। इससे पहले एटलीस्ट उपांशु लाइए, जपा तो कीजिए, 16 माला आप 30 सेकंड के दिखा दीजिए, मैं आपके चरण धोते पानी पी लूंगा। 16 माला अगर कोई बोलता है कि मैं मेडिटेट करता हूं, तो मैं उस व्यक्ति का चरण छू करके नाथनाथ के जिंदगी पर दास करने को तैयार हूं। मैं दावे से कह सकता हूं 16 माला भी ठीक से कर सकते हैं, सच है कि नहीं है? झूठ बोला तो बोल दो। ये आसान नहीं है, ये कलयुग का माइंड है, पता नहीं होता। इसलिए उपांशु भी डिफिकल्ट है। इसी का क्या कहते हैं, ये वाचिंग जो है लाउड चैंट करना चाहिए, लाउड जरा जोर से गाना चाहिए। इसलिए आपको धन के मौका मिला जोर से गाना चाहिए, कीर्तन लगाइए, कीर्तन करें। अरे
अभी जैसे हम अभी हम करते हो, जो मैं फ्लाइट में ट्रैवल करता हूँ तो 2 घंटे की फ्लाइट, और फ्लाइट वाला सबसे बोरिंग ट्रैवल है। पहले बचपन में बड़ा शौक था, हम बोल रहे हैं सबसे बोरिंग फ्लाइट लगती है मेरे को, खास करके कुछ कर ही नहीं सकते। अरे देखते रहो बादलों को, कितना दिन हो गया, इधर देखो एयर हॉस्टेस, इधर देखो बादल, क्या करोगे। और बगल वाला व्यक्ति जो है वो मुझे अपने धुन में, तो मैं बेस्ट तरीका मुझे लगा 1 घंटे कीर्तन, 2 कीर्तन लगा लगा के इसमें, और कभी कीर्तन करते करते जो हम लोग धुन लग जाते हैं और जोर से गा देते हैं, बगलों से क्या हो गया इसको, समझो ना। तो ये कीर्तन जो है ना इतना एब्जॉर्बिंग है, तो अगर आपको किसी का प्रयास, ये बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को एब्जॉर्ब करने के, और अपने आप को दुनिया की जो परेशानी से दूर करने के लिए, इसके लॉन्ग की आप सुन सकते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हैबिट डालिए कीर्तन सुनने के लिए, 45 मिनट्स होना अगर कीर्तन लगाइए, जैसे माता है आप कुकिंग कर रहे हो, सब्जी काट रहे हो, तो कीर्तन लगा दीजिए, कुछ बढ़िया सॉफ्ट कीर्तन चल रहा है बैकग्राउंड में, आप कुकिंग कर रहे हो या आयरन कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, घर में सफाई कर रहे हो, कीर्तन लगाइए, बढ़िया। ये हैबिट होना चाहिए हम लोग को, उसको सुनने का, प्रभुपाद जी का लेक्चर लगा दो या कुछ ऐसा कीर्तन सुनते रहिए, इससे कम आप देखोगे ऑटोमेटिक का स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। आप करके देखो, आप 1 मिनट आई करके देखो ये चीज़, आप कीर्तन सुनिए और अपना कीर्तन का जो इंटेक है वो बढ़ाइए दिन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, देखिए क्या होता है, सर्टनली आपके माइंड में वो कीर्तन होता रहेगा। रात को एक बार हम लोग वाड़ा गए थे झीलीवाड़ा, और उस दिन उनका वार्षिक उत्सव था, और हम लोग जबरदस्त कीर्तन के थे, जबरदस्त 3 घंटा पूरा लोट पोटो के नाचे कीर्तन, जबरदस्त कीर्तन के थे। रात को जब मैं सोने गया अपने रूम में, तो मुझे ऐसा लगा दीवारों से कीर्तन आ रहा है, और मैं समझ रहा हूँ सुना है जबरदस्त कीर्तन, ऐसा लगा दीवार से कीर्तन कर रहे हैं, आप देखा तो माइंड में चलता रहेगा वो कीर्तन। तो इससे क्या होगा, जिस मान लो कोई व्यक्ति आपको बुरा भला कहा, कोई व्यक्ति आपका अपमान कर दिया, तो अपने मन वही चलता ना। अगर मान लो आपको सुबह कुछ उल्टा कर दिया, मान लो किसी की सास बोल दी कुछ गाल दिया, आपके ऑफिस में कोई बॉस आपको बोल दिया, तो उसी की बात चलती रहेगी, मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, वो घूमते रहेगा माइंड, उससे डिप्रेशन आता है, इसकी बुरी बात। लेकिन अगर आप उसको कीर्तन से रिप्लेस कर दोगे ना, तो आप उसको भूल जाओगे, आप कीर्तन आपके मन में चलता रहेगा। बेस्ट वे स्ट्रेस सॉल्यूशन है, कोई दवाई की दरकार नहीं है, जो पागल है जो लोग डिप्रेशन दवाई खाते हैं, आप कुछ बोल मत ना, डॉक्टर की जो सलाह दिया वो ठीक है, जिनका ट्रीटमेंट है वो अलग बात है, बट नॉट रिक्वायर्ड, दरकार नहीं है, एक नेचुरल तरीका है स्ट्रेस को कम डाउन कम डाउन करने का, वो है कीर्तन, सुनिए कीर्तन को बेस्ट। दूसरा है एलिवेटेड कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना को ऊपर घर का कीर्तन। कई बार हम चीजों को बहुत लो लेवल चेतना से देखते हैं, तो जब हम जमीन पर आके देखते हैं तो सब गलत, सब कुछ गड़बड़ नजर आता है। आप कीर्तन कीजिए और देखिए आप ऊपर उठ जाओगे, और फिर वो कीर्तन का आपके हृदय में दया, प्रेम, काइंडनेस, जेनरोसिटी सब सुना देगा, और दोनों के मामला सॉल्व हो जाएगा। कभी मान लो घर में झगड़ा हो गया, कुछ मत चीजें जाके कीर्तन करना दबा दिए, कितना चल लो 15 मिनट 15 मिनट्स, लेकिन अभी मैं बताऊँ जो ये सब चीजें हैं कि सब टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड है, जब मैं ऐसे मन से नहीं बोल रहा हूँ, 15 मिनट खाली किया, देखिए क्या होता है कीर्तन का असर है नाम का। और थर्ड है कि दरबार लव ऑफ गॉड, आपके अंदर वो शुद्ध भक्ति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, 100% उत्पन्न होगा। ये लोग पागलों की तरह जो बॉलीवुड सॉन्ग सुन सुन करके जिग जैग म्यूजिक सुन करके अपना दिमाग खराब कर दिए, जो रजोगुण बढ़ाते थे और कुछ नहीं है उसमें, ये रजोगुण है, क्योंकि जिस भावना से उसको बनाया गया उस गाने को, उसमें लस्ट एंगर ग्रीड भरा पड़ा है, सच है कि नहीं है, सच है कि नहीं है। जिस भाव से उस सॉन्ग को बनाया गया है, भले कितना ही सुंदर सॉन्ग क्यों ना हो, उसका एक ही है ना, पैसा कमाना या उसके अंदर भाव क्या है, कोई काम वासना की भाव है, आप उसको सुनोगे तो रजोगुण उत्पन्न बढ़ेगा ना। पर ये कीर्तन जो है ये स्वयं भगवान के द्वारा दिया हुआ है, इसको सुनोगे। इसलिए अपने मोबाइल में से सारे बॉलीवुड सॉन्ग डिलीट कर दीजिए, कौन कौन तैयार है, कई लोग हाथ उठा रहे उनके मोबाइल में नहीं है, फिर उनके मोबाइल में नहीं है, नहीं है, अरे सबके मोबाइल में भक्तों के मोबाइल में, बाकी लोग है ना। मैंने पहला काम यही किया था जब मैं इस्लाम में आया था,
तो मैंने मेरा पूरा जो मेरे फेवरेट सॉन्ग से बॉलीवुड के सब डिलीट, है ना। तो ये होना चाहिए, इसलिए अगर आप भक्ति में आगे बढ़े तो डिलीट मारिए उसको सॉन्ग को। और कीर्तन भरिए, आप तो जैसा कीर्तन सुन रहा है वहाँ पर लेंगे, चाहे आपको सॉफ्ट कीर्तन चाहिए चाहे लाउड कीर्तन चाहिए, जैसे आपको कीर्तन चाहिए हम आपको ला के देंगे। ए सिर्फ वैष्णव सॉन्ग है हमारे पास, ऐसे ऐसे सॉन्ग है जो आपको रुला भी सकते हैं, हंसा भी सकते हैं, दौड़ा भी सकते हैं, जितना जो भाव चाहिए जो इमोशन चाहिए बना देगा उसके, ऐसे ऐसे सॉन्ग्स हैं वो सुनिए, देखिए आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। हम जो सुनते हैं हम वही बनते हैं, इसलिए कीर्तन करिए अपने मोबाइल पे प्रैक्टिकली, कीर्तन करिए, कीर्तन सुनिए, देखिए कैसे चेंज होता है आपका हृदय, कैसे परिवर्तन होता है। तो इसीलिए दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ कीर्तन। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आ रहा हूँ, स्मरण, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। कीर्तन का फायदा क्या है? कीर्तन का स्मरण होता है, भगवान का रिमेम्बरेंस आता है। अभी हम सबका गोल क्या लाइफ का? अंधकारे च मामेव स्मरण उत्तरा करेगा यह प्रयाति से मद्भाव नाति अस्तित्व संशया। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अंधकार में मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ता है वो मुझको प्राप्त करेगा। हम सबका एक ही रोल होना चाहिए कि हमको एट द एंड ऑफ लाइफ वी शुड बी रिमेंबर कृष्णा, भगवान का स्मरण होना चाहिए। अब कोई बोलेगा भाई ये तो बड़ा मस्त है, इजी है, जिंदगी में काम करो और लास्ट में बंदूक लगाओ, अरे कृष्णा कृष्णा बैक टू गॉड, ऐसा होगा क्या आपको लगता है? अरे बच्चों का संभाली माता जी, चिल्ड्रन को काम करके बंदूक दे दिया, पूरा अपना ही चल रहा है। तो स्मरण इतना आसान नहीं है। अब ये छह प्रकार के स्मरण है, मैं तो बताऊं, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कीर्तन करते वक्त आपको भगवान का स्मरण होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो स्मरण जो है, स्मरण शब्द का पहला मतलब है डोंट रिमेंबर्स विदाउट एनी इमोशन, खाली याद करना और कोई भाव नहीं होना, ठीक है। जैसे अगर हम आपको बोलेंगे कि अच्छा वो भाजी वाला कितना पैसा लिया था आपसे, जैसे मान लो हमने पूछा माता जी आप पिछले हफ्ते ये सब्जी खरीद कर आते यहाँ से क्या रेट लिया था, तो आप तुरंत बोले हाँ हाँ 10 रुपए की परवल थी, 20 रुपए का टमाटर था, गोभी थी 20 रुपए की, ये भी स्मरण है कि नहीं? स्मरण है ना, रिमेम्बरेंस है ना, बट इसमें कोई भाव है? हाँ क्या सब्जी वाला था, क्या सब्जी दे रहा था, कब मिली है सब्जी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट नंबर, जस्ट कोई फैक्ट्स है वो आप रिमेम्बर करते हो, ठीक है, ये है स्मरण। नेक्स्ट है धारण। धारण मतलब क्या है? एफर्टफुल पुलिंग ऑफ चित्त फ्रॉम आउटसाइड रिमेम्बरेंस, अपने चित्त को बाहर से खींच करके लाना और जबरदस्ती उसको याद कराना, जबरदस्ती, ये इसको धारण बोलते हैं, जबरदस्ती। जैसे कुछ चीज आप भूल जाते ना, याद करते ना, अरे क्या भूला था मेरे मामा जी ने मरते हो मुझसे क्या बोला था, अभी याद नहीं आ रहा है, कहाँ की जोड़ी की चाबी रखी थी, कौन सा प्रॉपर्टी नाम लेता वो, या कोई पासवर्ड मोबाइल का पासवर्ड भूल जाते तो क्या है, आपका माइंड नहीं लगा उसमें, बड़ा फोर्सफुली उसको खींच के ला रहे, इसको धारण। तो सेम चीज हम कीर्तन में करना चाहिए। अभी हम लोग को जब हम लोग स्मरण करते हैं तो हमारा कोई इमोशन नहीं है, बट आपको फोर्सफुली माइंड को खींच के भगवान के चैनल पे लाना होगा। अभी ये हमारा स्थिति है, धारण करना हमको चाहिए। जब कीर्तन चल रहा है ट्राई टू रिमेंबर गॉड, जो मदन मोहन का दशा आपने किया उसको याद करने का प्रयास कीजिए, अरे भगवान कितना सुंदर रूप का पांव था, मस्त उसके रूप को बदला हुआ था, भगवान कौन सा कलर ड्रेस पहने थे, भगवान क्यों पकड़े गए थे, भगवान के मोर पंख था, भजन की माला थी, इतने सुंदर दिख रहे थे भगवान, धारण फोर्सफुली याद करना चाहिए। नेक्स्ट है ध्यान। धारण का ध्यान, ध्यान क्या है? अनब्रोकन कॉन्स्टेंट रिमेंबरेंस विथ नो अदर थॉट, एक तक ध्यान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल याद की आपके बचपन के दिन, ठीक है, और आपके बचपन आपका बेस्ट फ्रेंड जिनके साथ बैठ कर आप टिफिन खाते थे, तो जब आप उस रिमेंबर से जाते हो तो आप जस्ट लॉस्ट हो जाते हो ना, या कभी कभी जैसे आप घर
पर रहते हैं तो अपना पिछला जो बुक खुलता है अपना एल्बम, तो हम भाई हम ऐसा करते थे, पता है तुम ऐसा करते थे ऐसे ऐसे सब, जैसे कि माँ अपने बच्चे साथ बैठी है मान लो और एल्बम खुलती है, बेटा तुमको पता है तुम क्या करता था बचपन में, ऐसे ऐसे करके पूरा, तो कोई फोर्स करना नहीं पड़ रहा हमको, ऑटोमेटिक एक फ्लो ऑफ इमोशंस, एक फ्लो ऑफ रिमेम्बरिंग आ जा रहा है, धका कर धका कर बात याद आ जा रही है, सच्चाई नहीं है याद आ जा रही है, इसको बोलते ध्यान बचाना। तो जितना आप कृष्ण के बारे में सुनोगे श्रवण करोगे सोचोगे करोगे ये ध्यान बचाती है, तो जब सुन हम लोग चैंटिंग करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिक भगवान लीला प्ले होना शुरू हो जाता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इसका ध्यान। नेक्स्ट है अनुस्मृति। अनु की मतलब क्या है? एफर्टलेस अनब्रोकन रिमेंबरेंस लाइक अ नेक्टर फ्लो। अब रस आना उत्पन्न हो गया है, रसा, ये रसा सब बहुत इंपॉर्टेंट है, रस मतलब मेलो, एक आनंद, एक नेक्टर फ्लो करना है, तो रस कैसे आता है, जैसे मान लीजिए कि आपकी बेस्ट आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट मोमेंट, चलिए एक्सरसाइज करते हैं अपनी आंखें बंद करिए दो मिनट के लिए करिए, ठीक है, अब याद कीजिए आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरा मोमेंट, आपकी जिंदगी में सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था जो आपने अचीव किया, या आपको किसी से तारीफ मिली, या किसी ने आपका गुणगान किया, या आपको वो चीज मिल गई जो आप चाहते थे, उसको याद कीजिए और उस रसा को स्वादन करने का प्रयास कीजिए, कितना आनंद है उसको अगर आप याद कर पा रहे थे तो जस्ट ट्राई कीजिए, हो गया आंख खोल दीजिए बहुत शॉर्ट क्लियर है, क्योंकि ये याद नहीं करना भगवान को याद करना है, एनी हाउ कितने लोग याद कर पाए आपकी जिंदगी का बेस्ट मोमेंट, बहुत कम लोग, क्योंकि सडनली याद नहीं आता है, जब आप उसमें याद करते हो तो आप लॉस्ट हो जाते हो, लाइक जब मैं गुरु महाराज के बारे में बता रहा था, जब हम लोग महाराज का वो सेरेमनी कर रहे थे तब यार, तो मुझे कोई कृपा करने की दरकार नहीं थी, मैं डेढ़ घंटा बोला महाराज का, तो मुझे कोई दरकार नहीं था वो करना, बट जो मेरे महाराज के साथ मेरे मोमेंट्स बीते हैं जो गुरु महाराज के साथ, वो मेरे माइंड में छपे हुए हुए, अगर अभी आप लोग बोलोगे अभी मैं अभी डेढ़ घंटा सेम क्लास दे सकता हूँ, सेम क्लास एक बार भी देखेंगे, क्योंकि वो मोमेंट्स के माइंड में बैठ चुके होंगे, वो महाराज के साथ उठना बैठना चलना उनसे क्या क्या बातचीत हुई वो सब, क्योंकि दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वो मेरे हृदय को बहुत उस टच किए हैं, जो चीजें जो पल आपने हृदय को टच किए हैं वो आपको एफर्ट नहीं लगता याद करने के लिए, वो बस बाई डिफॉल्ट आपके मन में आ जाता है, ये है अनुस्मृति। तो जब भगवान की लीलाएं या भगवान का रूप या भगवान का रूप आपके हृदय को छू गए तब अनुस्मृति हो जाएगी, देन इट जस्ट अ फ्लो ऑफ नेक्टर फ्लो, अरे वाह क्या है कृष्ण, तो आपस में हम ऊंचा लेवल पे जा रहे हैं, ये हम लोग धीरे धीरे भक्ति करेंगे तो ये समझ में आएगा ये क्या होता है, यू विल लॉस्ट इन कृष्णा पास में, आप जस्ट खो जाओगे भगवान की लीलाओं में। तो नेक्स्ट है समाधि। समाधि में क्या होता है, अब इसमें तो आपका थॉट जो है वो रुके नहीं होता है, नेक्टर भी आ रहा है बट कोई और थॉट एंटर नहीं करता, और ये बहुत एलिवेटेड स्टेज ऑफ लाइफ है, बहुत महान भक्त जो है ना वो ऐसे समाधि में खो जाते हैं, ऐसे समाधि में। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ, एक बार श्री रघुपति गोस्वामी एक कदम में बैठ करके ऐसी समाधि हो गए, तो क्या देख रहे थे, वो यहाँ बैठे बैठे किताब लिख रहे हैं और भगवान लीला का स्मरण हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, राधा रानी जो है कृष्णा एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और राधा रानी जो है नीचे उस पेड़ की डाल को पकड़ने का प्रयास करती है, तो कृष्ण जो है वो पेड़ की डाल को झुकाते हैं थोड़ा सा अपने पाँव से ऐसे झुका देते हैं, तो राधा रानी पकड़ लेते हैं वहां से और कृष्ण के पीछे उठ जाते हैं, तो उठ जाता है वो पेड़ की डाल, राधा की टांग लगती है और ये कृष्ण कुछ आता है एक टांग एक टांग एक टांग ऐसे करके, तो जैसी राधा रानी ऊपर टकती है तो ये लोग कुछ अपना हंसी आ जाती है देख करके, थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, तो क्या होगा उसी समय एक साधु वहां से जा रहे होते हैं जिसका नाम था अष्टवक्र,
अष्टवर्मन मतलब उस आठ जगह से उसकी बॉडी डिफॉर्म थी, मतलब पांव टेढ़ा हाथ टेढ़ा ऐसा था। तो अभी रूप गोस्वामी समाधिस्ट है, लेकिन उनको क्या लगा, मेरे को देख के हंस रहे और वो बुरा मान गया। जैसे ही उनको बुरा लगा उनकी समाधि भंग हो गई और फिर रूप गोस्वामी प्रयास करें तो याद क्यों नहीं आ रहा, वापस से इतना क्यों जुड़ रहा है, डिस्कनेक्टेड सिग्नल लॉस। तो समाधि में क्या होता है, एक भक्त भगवान लीला में घुस जाता है पूरा और उसको आस पास कुछ दिखाई देता, एवरीथिंग इज ब्लैंक फॉर सच अ पर्सन, एवरीथिंग इज ब्लैंक। वो केवल भगवान के स्मरण इतना एब्जॉर्ब हो चुका, पूरा घुस चुका है कि आप उसको बाहर दुनिया से क्रिया दिया नहीं है। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, दिस इज समाधि। एक्चुअली ये हमारा गोल है। तो जब वो स्थिति आ जाए कि आपको कृष्ण के बारे में छोड़ देते और कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब कुछ आपको मानना आ ही नहीं रहा, तो वो समाधि से। एक बार जनक महाराज जब कथा सुन रहे थे बैठ करके, तो उनके मंत्री आके बोले, महाराज आपके घर में आग लग गई है। तो महाराज ध्यान ही नहीं दिए, बोले कोई बात नहीं पड़ता, बोले महाराज आपके घर में आग लग गई है, मैं भी आग लगा, कोई भय नहीं आ रहा, सब जल्दी आग हो जाएगा। तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, बदल ले तो। बोले ये जो मेरे संसार की आग है मैं इसको बुझाऊंगा बैठकर, पहले ये ज्यादा जरूरी है, एब्सॉर्ब लेकर खाने। कृष्णा भागवत में एक उदाहरण देते हैं, एक एरो लेकर का एक व्यक्ति वहां बैठ करके धनुष का बांध रहा था, तो वो जब उसको शार्प कर रहा था तो भगवान बताते हैं उसके सामने से इतनी बारात चली गई और उसका ध्यान बस से बस नहीं था, वो इतना एब्जॉर्ब था उसमें, इतना ज्यादा गुस्से का था कि वो उसको पता ही चला कि बारात चली गई सामने से, पूरी इतना दौड़ लगा कैसे चला गया। ये है एब्जॉर्प्शन। तो जब ये स्थिति पहुंचेगी हम सबकी, तब हम वास्तव में कृष्ण को स्मरण कर पाएंगे, ये है स्मरण। तब जाकर के जो ये श्लोक है ना, अंतकाले जमामि वा स्मरणं कलयुगं, वो स्मरण ये है, समाधि है, तब आगे भगवान प्राप्त करोगे, क्योंकि उस समय आपको मृत्यु का असर ही नहीं होगा। जैसे परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज भागवत सुनते सुनते इतने घुस चुके थे भागवत में कि जब रक्षक आया तो केवल ड्रामा था, वो केवल शरीर चलाया उनका, बट ऑलरेडी बैकग्राउंड जा चुके थे। दिस इज एब्जॉर्प्शन। तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये बार 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 करना पड़ता है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि संडे प्रोग्राम में आइए, ये संडे प्रोग्राम आपके लिए ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। चलो भैया आज तो मॉल जाना है, छोड़ो कौन जाएगा आपको। अगर आप रवि सीधे सो भक्ति में, तो हर एक को मौका जहां आपको भक्तों का संग मिल रहा है, जहां आपको भगवान के बारे में सुनने को मिल रहा है, जहां आपको कितना मौका मिल रहा है, आपको उसको लगो के लेना चाहिए। बट जो लोग ऑकेजनल विजिटर्स हैं, दे विल नेवर गेट दिस काइंड ऑफ अटेनमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसे बार बार करना पड़ता है, इसको बार 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 बार, तब जाके आपका हृदय जो है भगवान में लग जाएगा। तो भक्ति प्राप्त करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो स्मरण नहीं होगा आपका, समझ गए। तो इसलिए, और इसके बाद क्या होता है, जब ये स्टेज आता है तो ये स्टेज के बाद आता है साक्षात्कार। फिर आपको आपका असली स्वरूप भगवान के धाम में, आपकी क्या स्वरूप आता है, स्वरूप वो रिवील हो जाता है, आप क्या हुआ आध्यात्मिक दुनिया में वो रिवील होगा, ये समाधि के बाद आएगा। तो अभी बताइए हमारी स्थिति कहाँ है, हम तो फर्स्ट स्टेज में बैठे हुए लगते हुए। इसीलिए अगर आप रियल भक्ति को चाहते हैं तो इंक्रीज योर एब्जॉर्प्शन, भगवान में अपने एब्जॉर्प्शन को बढ़ाइए, कीर्तन में भाग लीजिए, बार बार भगवान का नाम लीजिए, बार बार भगवान का स्मरण कीजिए, उनकी कथा सुनिए, कीर्तन सुनिए, भक्तों के एसोसिएशन आइए, मंदिर में दर्शन कीजिए, तो बार 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 कृष्णा कृष्णा करते 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 तो जो है भगवान आपको स्मरण होना चाहिए। अरे सच में गजब है भगवान, गजब है, क्या रूप है भगवान का। सिर्फ ये एब्जॉर्प्शन है। श्री प्रभुपाद जी गोरखपुर में प्रकाश दिन आए और व्यासन बैठे और जस्ट जय राधा माता गाने के लिए हुए, जस्ट करतार बजाया, जय राधा माता गाने वाले थे, इमोशन आ गए, उनका पूरा कंठरूप हो गया, भर गया पूरा शरीर, गाई नहीं पाई, आंख से बोलते हैं जो उनके भक्त पिचकारी से आंसू निकला और सामने जो भक्तों के ऊपर छिटा गया आंसू का। प्रभु जी गाने का प्रयास करें, राधा माता को
देख राधा माता को स्मरण करते ही इतना लॉस्ट हो गए, गा नहीं पाया गया। दो दिन का प्रयास किया गा नहीं पाए और फिर जो है बोले जस्ट चैंट करके कृष्ण चले गए। दिस एब्जॉर्प्शन भगवान को याद करके वो एक औरतपन की अवस्था, ऐसी अवस्था की ओ लॉर्ड आई मिस यू सो मच, देखो कितना आपका महसूस हो रहा है, लोगों को बताओ, ये ऊपर होना चाहिए। और ये तभी होगा जब बार बार कीर्तन में भाग लेंगे, भक्तों के संग में आएंगे, तब ये भाव उत्पन्न होगा। नहीं तो इट इज डिफिकल्ट, ये इतना जल्दी से आएगा नहीं। ठीक है, तो ये है लेवल्स ऑफ स्मरण, और कीर्तन करते करते आप ये लेवल्स को पार कर सकते हो। मैं बस लास्ट एक स्टेटमेंट प्रभुपाद जी का कोट पढ़ करके यहाँ पर एंड करूँगा कीर्तन के बारे में। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, performing kirtan and hearing the vibration of the sound Hare Krishna is actually seeing the Supreme Personality of Godhead directly. ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है कि अगर आप कीर्तन करते हो और भगवान के शब्द ध्वनि जो हरे कृष्ण मंत्र को श्रवण करते हो तो आप परम भगवान श्री कृष्ण को साक्षात दर्शन कर रहे हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। साक्षात सेम राधा मदन मोहन जी जो आप देख के आए वहाँ ऑल्टर पे, वो अभी आपके सामने प्रकट हो जाएंगे अगर आप पूरे सिंसियरिटी के साथ, पूरे सिद्धत के साथ आप कीर्तन करोगे और भगवान को स्मरण करोगे। ऐसे कीर्तन चैतन्य महाप्रभु करते थे। तो ये फोटो आप देख सकते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन में निकलते थे अपने पास्तों को लेकर के, क्या सुंदर कीर्तन करते थे महाप्रभु। ये फोटो इतना सुंदर है कि चैतन्य महाप्रभु सभी पास्त लेकर के, कोई ढोल बिना करता लेकर के जब कीर्तन आते थे तो उनको देख करके बोलते ढूंढे ढूंढे गोरा चांद, हाँ ढूंढे ढूंढे नाचते थे। ऐसा लगता था कि सोनार अंगद, सोने का पर्वत मान लो झुलक रहा हो। ऐसे कई गीत गाए गए इसमें, उदी लाल पूरब भागे विजय मनी को रामार जागे, ताकाई ताकाई बाजा बोल घने घने बाजा लो होते हैं। जैसी सूर्य उदय होता है उदी लाल पूरब भागे, सूरज उदय होकर पूरब भागता है तो द्विजय मनी ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण द्विजय मनी आमार गोर जागे, हमारा गौर हमारे गोरा महाप्रभु जाग जाते उठते हैं। उठते क्या करेंगे वो अनादित कर्म करके निकलते हैं संगीत बेला नगर राजे नगर में घूमते हैं जा करके, जिसको बोलते हैं बेला कीर्तन, सुबह का जो मॉर्निंग कीर्तन है बोलिए। अगर तात्काई तात्काई बजा खोल मृतक बसता है, घने घने बाजे रोल कीर्तन बसता है और वहां वो कीर्तन करते हैं। इतना सुंदर दृश्य होता है नदिया में नवदीप में, ये दृश्य देख करके लोग पूरा आश्चर्य, क्या है ये। और चैतन्य महाप्रभु सात कुटुंब का शरीर पूरा गोल्डन मोल्टेन होते हैं, पिघलावा सोना के समान का शरीर, और इतना ग्रेसफुली महाप्रभु डांस करते थे, देख के आदमी मन करे यार हमको भी कीर्तन करना चाहिए। इसीलिए हम लोग को विशु चैट एंड डांस ग्रेसफुली फॉर द प्रेजेंस ऑफ गॉड, भगवान के आनंद के लिए करना चाहिए कीर्तन। और ये कीर्तन करने से जो है आप यकीन मानिए जीवन की हर सफलता को प्राप्त होगी, हर सफलता। इसीलिए कीर्तन का बहुत महत्व है। मैं तो बहुत कम बताया आपके साथ में, चैतन्य तो भर भर इसका गुणगान है कीर्तन। और चैतन्य में खाली यही आपको मिलेगा, चैंटिंग डांसिंग क्रिस्टिंग, महाप्रभु के सारे प्रसन्न आएंगे कीर्तन करेंगे आचरण कर जाएंगे और भर भर के प्रसाद खाएंगे। तो चैंटिंग डांसिंग क्रिस्टिंग, कीर्तन करो नाचो और प्रसाद खाओ, जो भगवान को प्राप्त करना साठ हजार साल तपस्या करके लोग प्राप्त नहीं कर पाए भगवान को, वो आप केवल नाम से कीर्तन करके प्राप्त कर जाओगे। बताओ इससे आसान और क्या होगा, इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु कृपा से आज इतना आसान तरीका हम लोग को मिल गया है। तो इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस कीर्तन में भाग लीजिए, अपने घरों में कीर्तन कीजिए, दुनिया के कोने कोने में कीर्तन को फैलाना है। अभी फैल रहा है लेकिन हमको हर घर में कीर्तन होना चाहिए, हर घर में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया हरे कृष्ण नामों का कीर्तन होना चाहिए। तब देखिए वो सुनहरा दिन आएगा जब ये कलयुग सत्य बदल जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो।
इसलिए सबको इसमें भाग डालना है। और इस कौन का जो कीर्ति है वो यही है कि हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन होता है। कि जब आप मंदिर में आते हो आपको जो एक अलग फीलिंग आता है, एक अलग फीलिंग आता है, वो केवल कीर्तन में आता है, क्योंकि 24 घंटा कीर्तन चलता है, वहाँ का गुणगान चलता है। ठीक है, तो कीर्तन के माध्यम में इतना ही कहना।